दोस्तों चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों लगातार आप अपने फोन को दिन रात चलाओ, जितना मर्जी हो उतना फोन को इस्तेमाल करो, फोन की बैटरी लगातार चलता ही जाएगा, फोन की बैटरी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। केवल चार सेटिंग बताऊंगा और ये चारों सेटिंग आप अपने फोन के अंदर छुपा हुआ जो कंपनी वाले खुद देते हैं। अगर आप अपने फोन की बैटरी बैकअप को लेकर के काफी ज्यादा परेशान रहते हो और अभी भी परेशान होना, ये चार सेटिंग आप अपने फोन के अंदर करना होगा। अगर आप ये चारों सेटिंग आप अपने फोन के अंदर कर लेते हो ना, तो यकीन नहीं मानोगे कि आप अपने फोन की बैटरी 3 से लेकर 4 दिन तक आप चला सकते हो। सिर्फ एक बार बैटरी को फुल करना और ये चारों सेटिंग आप अपने फोन के अंदर करना होगा, जो आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला। दोस्तों आज का जो वीडियो ना बिल्कुल खतरनाक यूजफुल वीडियो बनने वाला है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कह लेता वीडियो स्टार्ट, मेरा नाम सितारे और आप देख रहे होगा टोगा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों देख सकते रहा मेरा मोबाइल फोन, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि केवल चार सेटिंग से आप सभी के फोन की बैटरी चलता ही जाएगा, बैटरी जो ना खत्म होने का नाम नहीं लेगा, 3 से 4 दिन तक आपकी फोन की बैटरी चलेगा। अगर आप सबसे पहले सीखना चाहते जानना चाहते हो ना, तो वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा, फ्री होता है, इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल पिकल ऑल पे सेट कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कॉमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा। तो बस ये छोटी सी काम करने के बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूं सबसे पहला खतरनाक सेटिंग बताऊंगा। अगर आप ये सेटिंग को ऑन नहीं करते हो ना, तो आपकी फोन की बैटरी चुटकियों में खत्म हो जाएगा और आप इससे काफी ज्यादा परेशान रहोगे, हमेशा परेशान रहोगे। क्योंकि सबसे पहला आप क्या गलती कर देते हैं मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आप सेटिंग के अंदर जाओगे और यहां पे आप देख सकते हो बैटरी एंड परफॉर्मेंस होगा, इस सेटिंग पे क्लिक करोगे ना, तो यहां पे आपको सबसे पहले पता लगाना है कि सबसे ज्यादा बैटरी जो ना मोबाइल के अंदर क्या चीज खा रहा है, यानी कि जल्दी जल्दी बैटरी को कौन ज्यादा यहां पे डाउन कर रहा है, वो आपको पता लगाना है। तो यहां पे मैं नीचे जाता हूं, नीचे जाने के बाद यहां पे देख सकते हो स्क्रीन यानी कि मोबाइल के अंदर जो डिस्प्ले देख रहे हो ना, ब्राइटनेस सबसे ज्यादा बैटरी को कंज्यूम कर रहा है। तो आपके लोगों की गलती की वजह से ऐसा होता है, जैसे कि आप 26% जो है ना बैटरी जो है यहां पे कंज्यूम कर रहा है, तो सबसे आधा से ज्यादा ये बैटरी कंज्यूम कर रहा है। तो आप सोच के देखना, काफी सारा ऐप है जो धीरे धीरे बैटरी को जो कंज्यूम कर रहा है यानी कि खा रहा है, मोबाइल को यूज करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस सेटिंग को बंद करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कि यह पहला सेटिंग आपको कहां पर मिलेगा। तो सबसे ज्यादा डिस्प्ले जो खा रहा है ना, जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले सेटिंग के अंदर जाएंगे जो कंपनी वाले खुद देते हैं, तो जैसे डिस्प्ले सेटिंग के अंदर जाओगे तो यहां पे ब्राइटनेस लेवल पे जाओगे ना, तो यहां पे ब्राइटनेस को आपको फुल करके रखना नहीं है, आपको जो ना यहां पे ऑटो ब्राइटनेस पे रखना होगा, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस पे रखना होगा। इससे यह होगा कि अगर आप लाइटिंग में जाओगे तो उसी हिसाब से आपका लाइट होगा बढ़ेगा, यदि आप मतलब कि अंधेरे में जाओगे तो उसी हिसाब से एडजस्ट करेगा, तो ऑटोमेटिक वो ऑप्टिमाइजेशन करता है, ऑटोमेटिक जो ना स्क्रीन का जो लाइट चाहिए वही लाइट आपको देगा यहां पे ऑटोमेटिक पे, जी हां। तो ये बात का जरूर ध्यान देना। उसके बाद दोस्तों यहां पे आपको सनलाइट के अंदर जाओगे तो उसके अंदर जो है ना आपको ये बंद होगा, इसको ऑन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सनलाइट के अंदर जा रहे हो तो इस सेटिंग को बंद कर दें और इस सेटिंग को ऑन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये ऑटोमेटिक यहां पे कर देता है, इसको करने जरूरी है, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों यहां पे बात करेंगे और भी सारा सेटिंग, जैसे कि डार्क मोड, तो डार्क मोड के बारे में तो आप लोग को पता होगा कि सबसे ज्यादा बैटरी जो है ना ये आपको सेव करता है, सबसे ज्यादा बैटरी को इनक्रीज करता है, जी हाँ। तो ये डार्क मोड इस्तेमाल कर सकते हो, जो मोबाइल के अंदर जो है ना पूरा का पूरा ब्लैक हो जाएगा और इससे आपका बैटरी जो है ना बिल्कुल परफॉर्मेंस काफी इनहेंस हो जाता है और नेक्स्ट लेवल का बैटरी हो जाता है, ठीक है, इस सेटिंग को करना काफी जरूरी है। उसके अलावा बात करेंगे यहाँ पे दूसरा सेटिंग के बारे में। दोस्तों मैंने पहला सेटिंग बता दिया कि किस वजह से आपकी फोन की बैटरी जो है ना जल्दी जल्दी डाउन करता, मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं दूसरा सेटिंग के बारे में। दूसरा सेटिंग आपको कहां पर मिलेगा मैं आपको बताऊंगा, और इस दूसरा सेटिंग से आपको क्या होगा, क्योंकि हर सेटिंग का अलग अलग यूज होता है, अलग अलग मतलब हुआ, क्योंकि पहला सेटिंग जो मैंने आपको बताया हो ना वो आपकी मोबाइल के स्क्रीन को लेकर के जो आपकी फोन के अंदर जो डिस्प्ले सबसे ज्यादा बैटरी लेता है, लेकिन ये जो दूसरा सेटिंग बताऊंगा ना मोबाइल ऐप के बारे में, दोस्तों क्या होता है कि मोबाइल को आप यूज भी नहीं करते, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे इंस्टाग्राम को यूज किया, इंस्टाग्राम को यूज करने के बाद आप क्या करते हैं बैकग्राउंड से कुछ इस तरह से आप रिमूव कर देते, तो आपको क्या लगता है कि ये बैकग्राउंड से यहां पे रिमूव हो चुका और आपका बैटरी ये एप्लीकेशन खाएगा नहीं, आपका सोचना बिल्कुल गलत है, जी हां। एक खतरनाक सेटिंग है जो आप इसे बंद करना होगा, यदि आप बंद नहीं करते हो ना तो बैकग्राउंड में जो ना एक्टिविटी चलता रहता है, बैकग्राउंड में आपका बैटरी खाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये सेटिंग आपको कहां पे मिलेगा
मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि ये फेसबुक हो गया, कोई भी एप्लीकेशन, इसको होल्ड करेंगे ना तो यहाँ पे आई बटन होगा। आई बटन पे आप जाओगे ना, आई बटन इन्फो नाम करके होता है, ठीक है, इस पे जाओगे। जाने के बाद दोस्तों आप नीचे जाओगे ना तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते बैटरी सेवर नाम करके एक सेटिंग देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपको दिखता होगा। तो आपको इस सेटिंग पे क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, बैटरी सेवर रिकमेंडेड होगा, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको जो ना प्रोसेस में यहाँ पे बैकग्राउंड में चलता रहेगा, थोड़ा बहुत बैटरी को सेव करेगा। लेकिन ऊपर में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड, नो रिस्ट्रिक्टिंग यहाँ पे लिखा है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक सेटिंग नीचे है, रिस्ट्रिक्टेड बैकग्राउंड ऐप्स होगा, इसको आपको क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा कि आपके मोबाइल के अंदर जो पुश नोटिफिकेशन होता है, जो बार बार नोटिफिकेशन देकर के आपकी फोन की बैटरी को जो ना डाउन करता है, डिक्रीज होता है ना, तो पुश नोटिफिकेशन ज्यादा नहीं आएगा। उसके अलावा दोस्तों आप एक बार जो ना मोबाइल ऐप को यूज कर लोगे, और दोस्तों मोबाइल को यूज करने के बाद बैकग्राउंड उसे हटा भी दोगे ना, फिर भी आपकी फोन की बैटरी वो कंज्यूम नहीं करेगा, पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है, अगर आप एक्टिविटी करोगे ना तो सिर्फ और सिर्फ जो ना एक्टिविटी पे लेगा, उसके बाद दोस्तों हटा दोगे तो बिल्कुल यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो ये मुझे काफी कमाल का सेटिंग लगा, इस सेटिंग का जरूर इस्तेमाल कर सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर का सेटिंग के बारे में। दोस्तों ये जो तीसरा नंबर का सेटिंग है ना, कहाँ पे मिलेगा, जो काफी यूजफुल है और आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि हर सेटिंग का अलग अलग यूज और अलग अलग मतलब होता है, तभी जाकर के आप अपने फोन की बैटरी को इंक्रीज कर पाओगे और आप अपने फोन की बैटरी को 3 से 4 दिन तक चला सकते हो। तो सबसे पहले मोबाइल सेटिंग में जाओगे, जाने के बाद दोस्तों नीचे जाओगे ना तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बैटरी एंड परफॉर्मेंस सेटिंग होगा, इस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप सेटिंग के अंदर जाओगे, सेटिंग के अंदर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक सेटिंग दिखने को मिल जाएगा, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पे बैटरी, यहाँ पे बैटरी सेवर होगा, इस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आप सभी के फोन के अंदर ये बंद होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये अभी-अभी मैंने ऑन करके रखता हूं, ये हमेशा ऑन करके रखता हूं। जब भी मैं कभी कहीं पे घूमने जाता हूं या मैं अपनी बैटरी को लंबे समय तक यूज करूं तो ये सेटिंग को ऑन कर देता हूं। इस सेटिंग को ऑन करने के बाद दोस्तों क्या क्या फायदा होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी सिस्टम, जो सिस्टम एप्स होता है ना वो भी बैकग्राउंड में चलता है, तो सिस्टम ऐप को वो क्लोज कर देता है, बंद कर देता है, बैकग्राउंड में नहीं चलेगा। यहाँ पे फ्रीज कर देता है आपको बैकग्राउंड में, और यहाँ पे क्लियर कैच, जो क्लियर कैच की वजह से जो ना आपका बैटरी भी खत्म होता है वो भी साफ करता रहेगा, और यहाँ पे टर्न ऑफ सर्विस यहाँ पे कर देगा। बहुत सारा फीचर दिया गया जो आप अपने मोबाइल की बैटरी को जो ना बचा सकते, हाई पावर जो लेता है ना वो भी बचाएगा। साफ साफ यहाँ पे काफी सारा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया, जो आप पढ़ना चाहते तो आप पढ़ सकते हैं। तो काफी सारा बेनिफिट है इस सेटिंग का, जो ऑन करना काफी जरूरी, जो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे लास्ट वाला सेटिंग के बारे में। जी हाँ, यानी कि सबसे पावरफुल सेटिंग है, सबसे खतरनाक सेटिंग है। इस सेटिंग से आप अपनी बैटरी लाइफ को डबल कर सकते हो। जी हाँ, जैसे कि मैं अब भी देख सकते मेरे मोबाइल के अंदर 8% है ना, 8% बैटरी को जो है ना 2 घंटा 4 मिनट में यूज कर सकता हूँ। लेकिन एक सेटिंग को ऑन करूंगा ना तो यहाँ पे कम से कम जो है ना 5.5 घंटा बैटरी को चला सकता हूँ, वो भी 8% बैटरी को। तो कौन सी सेटिंग है, यहाँ पे अल्ट्रा बैटरी सेवर होगा। अल्ट्रा मतलब कि सबसे ज्यादा पावरफुल सेटिंग है, जो आप अपने फोन की बैटरी को इंक्रीज कर सकते हो, डबल कर सकते हो। तो यहां पे क्या कर सकते हो, यहां पे आपको ऑन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं ऑन कर रहा हूं तो यहां पे भी आपको डिस्क्रिप्शन दिखने को मिल जाएगा, इस सेटिंग का अलग अलग यूज है जो यहां पे आपको मिल जाएगा, मैसेज कॉलिंग सब कुछ आपको दिखने को मिल जाएगा। तो यहां पे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूं तो यहां पे देख सकते हैं यहां पे एक्टिव यहां पे होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे सब कुछ ऑटोमेटिक यहां पे काम करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे काम करना स्टार्ट कर देगा तो इस सेटिंग का यह यूज है कि आप लिमिटेड यूज कर सकते हो, यानी कि कॉल कर सकते हो, आप कॉल आ भी सकता है, व्हाट्सएप भी यूज कर सकते हो, क्रोम ब्राउजर भी, सेल्फी भी, फोटो ले सकते हो, आपका टेक्स्ट मैसेज भी, यानी कुछ कुछ एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हो, बाकी मल्टीपल एप्लीकेशन को यूज नहीं कर सकते। जी हाँ, ये क्योंकि ये पूरा का पूरा स्टॉप कर देता है मोबाइल को, जो ना एक सादा सिंपल यहाँ पे बना देता है। जैसे कि आप देख रहे हो जो जो एप्लीकेशन का ऐड करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे यूट्यूब को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ये प्लस बटन बना हुआ है, तो यहाँ पे आप ऐड वगैरह कर सकते हो, तो यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो अगर आप बंद करना चाहते हो तो यहाँ पे एग्जिट का भी बटन है, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट बटन क्लिक किया तो ये क्लोज भी हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे बंद भी हो चुका। तो यहाँ पे ऑन भी कर सकते हो और आप इसे बंद भी कर सकते हो। जी हाँ, तो ये सेटिंग का मतलब ये है जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया। तो दोस्तों यही था 4 सेटिंग जो मैंने आपको बता दिया, जो आप अपने फोन की बैटरी को चलता रहेगा और बैटरी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। तो ये 4 सेटिंग करना काफी जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, बहुत ही कमाल के होगा। अगर आपको वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर देना दोस्तों। फिर मिलेंगे दोस्तों अपने ख्याल, टेक केयर एंड गुड बाय।